Hi friends, welcome back to the channel Focus on Learning. Today we start our vocabulary class. Vocabulary class में आज हम revision करने वाले हैं. तो आप लोग अपने आप को देखें कि आप लोगों के कितने words learn हैं. तो चलिए आज हम revision करेंगे with antonym and synonym. First word है रीम. रीम का मतलब होता है टीला या ढेर. Synonym is heap, bundle. Antonym is indivisible, lead. Rim का मतलब होता है हमारे पास स्टोरेज कास्टिंग होना. Heap या फिर bundle. Antonym होंगे इसके indivisible या lack, यानी कमी होना. Next word is मॉक. मॉक का मतलब है उदास रहना, खुश ना रहना. सिनोनिम हो जाएंगे अपसेट, सर. एंटोनिम इज प्रेज, प्लीज. खुश रहना. मॉक का मतलब होता है उदास, अपसेट या सर. एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज या फिर प्लीज, यानी खुश रहना. नेक्स्ट वर्ड इज कॉकल. कॉकल का मतलब होता है लहर या तरंग. सिनोनिम हो जाएंगे इसके वेव या शेल. एंटोनिम इज बैलेंस्ड, स्मूथनेस. इसका मतलब होता है एक जगह पर रहना, स्थिर रहना. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पो. दखल देना. सिनोनिम इज इंटरफेयर, ऑल्टर. एंटोनिम इज रिमेन, इम्प्रूव. किसी भी काम में दखल ना देना, यानी रिमेन एंड इम्प्रूव. टेम्पर होता है दखल देना, इंटरफेयर एंड ऑल्टर. एंटोनिम हो जाएंगे रिमेन एंड इम्प्रूव. नेक्स्ट वर्ड इज एडजेसेंट. सिनोनिम इज बिसाइड, क्लोजनेस, यानी के बराबर वाला. एंटोनिम इज सेपरेट, डिस्टेंस, दूर वाला, यानी कि दूरी पे. नेक्स्ट वर्ड इज कनकॉर्डेंट. कनकॉर्डेंट का मतलब होता है समझौता. पैक्ट, एग्रीमेंट. एंटोनिम इज डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग. कनकॉर्डेंट का मतलब होता है समझौता. सिनोनिम हो जाएंगे इसके पैक्ट और एग्रीमेंट. एंटोनिम हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टर. डॉक्टर का मतलब होता है जुड़ना. सिनोनिम इज लिंक या फिट टूगेदर. एंटोनिम इज क्लैश, डिफर, यानी अलग हो जाना. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क का मतलब होता है सड़ा हुआ. सिनोनिम इज रॉटन, अनयूजुअल, यूजुअल, फैमिलियर, यानी जो यूज करने लायक हो उसको हम बोलेंगे यूजुअल या फैमिलियर. ग्रोटेस्क होता है सड़ा हुआ, रॉटन, अनयूजुअल, जो बेकार हो. एंटोनिम हो जाएगा यूजुअल और फैमिलियर. नेक्स्ट वर्ड इज
एब्जॉर्ब, मुक्त करना या फिर माफी देना भी इसको बोल सकते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे इसके फॉरगिव, पार्डन। एंटोनिम इज चार्ज या फिर कंप्लेन, किसी की शिकायत करना किसी के अगेंस्ट। एब्जॉर्ब का मतलब होता है मुक्त करना, फॉरगिव या पार्डन। एंटोनिम हो जाएंगे इसके चार्ज और कंप्लेन। नेक्स्ट वर्ड इज बस्टर, बस्टर का मतलब होता है जल्दबाजी। सिनोनिम इज हरी या हेस्ट। एंटोनिम इज स्लो या फिर क्वाइट, शांति से धीरे धीरे। नेक्स्ट ब्रिटल, नाजुक। सिनोनिम हो जाएंगे ब्रेकेबल, डेलिकेट, जो आसानी से टूट जाए। एंटोनिम इज अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत हो आसानी से ना तोड़ा जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज बैफल, बैफल का मतलब होता है उलझा हुआ। सिनोनिम इज कंफ्यूज, पजल, ये इसको हम अनक्लियर भी कह सकते हैं, अनक्लियर। एंटोनिम इज क्लियर, पॉइज या फिर एक्सप्लेन, जो हमें अच्छे से स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विनेंट, कॉन्विनेंट का मतलब होता है सरल, सुविधाजनक या उचित। सिनोनिम इज हैंडी, सुटेबल या फिर कंफर्टेबल भी बोल सकते हैं। एंटोनिम इज अनसुटेबल, अनप्रैक्टिकल यानी अनुचित, जो उचित ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड, खुश रहना। सिनोनिम इज हैप्पी, डिलाइट। एंटोनिम इज अनहैप्पी, सैड, एग्रीव, उदास रहना, खुश ना रहना। नेक्स्ट वर्ड इज डिजोन, खराब, घटिया। सिनोनिम इज बोरिंग, डल। एंटोनिम इज मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग, जिसका कोई मीनिंग हो और वो इंटरेस्टिंग भी हो। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है उदासी, निराशा। सिनोनिम इज डार्कनेस, ये डिजेक्शन। एंटोनिम इज ब्राइट, हैप्पी, खुश रहना। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, डार्कनेस, डिजेक्शन। एंटोनिम हो जाएंगे इसके ब्राइट, हैप्पी यानी कि खुश रहना। नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है जवान या नाबालिग। सिनोनिम इज यंग, यूथ, टेंडर भी बोल सकते हैं इसको। एंटोनिम इज डॉटेज, ओल्ड यानी वृद्धावस्था या बुढ़ापा। नेक्स्ट वर्ड इज क्रैश,
क्रैश का मतलब होता है सहलाना या दुलारना. सिनोनिम इज फॉन्डल, एम्ब्रेस. एंटोनिम इज रिपल, रिपल्स मतलब ठुकरा देना या धिक्कारना. नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिवेट. कैप्टिवेट का मतलब है मंत्रमुग्ध होना. सिनोनिम इज चार्म, फैसिनेट. एंटोनिम इज ऑफन स्कॉर्न, यानी नाराज होना या किसी को चोट पहुंचाना. नेक्स्ट वर्ड इज डिराइड. डिराइड का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना. सिनोनिम इज मॉक या टॉन्ट. एंटोनिम इज इंस्पायर, एनकरेज. डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना. सिनोनिम हो जाएंगे मॉक या टॉन्ट. एंटोनिम होंगे इंस्पायर, एनकरेज, यानी हमें उत्साहित करना, किसी को भी किसी का उत्साह बढ़ाना. तो फ्रेंड्स, आज की रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अगर आप चाहते हैं कि हर संडे ऐसे ही रिवीजन क्लास हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू.